नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी एग्जाम स्टडी पे। तो अभी मैं आपके लिए एक तूफ़ानी न्यूज़ लेके आया हूँ कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसने नॉन टीचिंग यानी कि जो हमारा क्लैरिकल ग्रेडर होता है या ग्रुप और बी की और सी की पोस्ट होती हैं वो निकाली है। तो जो भी मेरे दोस्तगण जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेट में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब इसको शेयर करें ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन पोस्टों को भर सकें। आगे मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं और ये सभी पोस्टें आप जानकर खुशी होगी कि ये सभी पोस्टें जो हैं वो रेगुलर हैं, मतलब कि और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ऊपर से आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो, तो ये सेंटर की जॉब है और ऊपर से ये स्टेट में ही है यूनिवर्सिटी, आपको ट्रांसफ़र की भी कोई टेंशन नहीं है, साथ में जो पोस्ट है वो भी रेगुलर है। तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा और धीरे धीरे आपके साथ ये पूरी वीडियो जो है शेयर करता हूँ। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया है ये 2/2020 है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। इसके अंदर जो है वो ग्रुप बी और सी की पोस्ट आ रखी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ग्रुप बी की पोस्ट। तो जैसे कि इसमें पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, ये लेवल 7 की 4 पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट आई हैं वो 5 आई हैं, जिसमें से जनरल की 4 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 है। इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके अंदर 1 पोस्ट निकली है। पर्सनल असिस्टेंट, इसके अंदर 3 पोस्टें निकली हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अंदर 1 पोस्ट निकली है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद बात आती है जूनियर ट्रांसलेटर, इसके अंदर भी 1 पोस्ट निकली है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात आती है अब हमारी प्यारे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट निकली है। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 5 है, इसकी भी 1 पोस्ट निकली गई है। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट निकली है। अपर डिवीज़न क्लर्क की 2 पोस्टें निकली हैं जनरल कैटेगरी के लिए यूडीसी की। एलडीसी की 1 पोस्ट निकली है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद कुक की, कुक लेवल 2 में आता है और इसकी 1 पोस्ट निकली है। ड्राइवर की टोटल 5 पोस्टें निकली हैं जिसमें से जनरल की 3 है, शेड्यूल्ड कास्ट की 1 है, ओबीसी की 1 है। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। साथ में मेडिकल अटेंडेंट ऑब्लिक ड्रेसर, इसके लिए भी 1 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। किचन अटेंडेंट है, इसकी भी 2 पोस्टें हैं जो ओपन है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। और एट लास्ट हॉस्टल अटेंडेंट की पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल बी और सी में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने आज नोटिफिकेशन निकाली है और ये जो नोटिफिकेशन है आपको जानकर खुशी होगी कि जो इसके लिए ऑनलाइन लिंक है वो भी जल्दी आपको नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, जैसे कि इस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में दे रखा है। और ये सभी पोस्टें जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है और ये रेगुलर पोस्ट हैं सारी। और जो इसका जो लिंक है वो 15 जनवरी से आ जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी रखी गई है। तो सिर्फ आपको 15 दिनों का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है जनरल के लिए और 400 है ओबीसी के लिए। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट्स है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। और इसके बाद को है जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं इंटरनल, उनके लिए भी कोई फ़ीस रखी नहीं गई है। और अगर एक बार आप फीस भर देते हैं तो आपकी जो फीस है वो वापस नहीं होगी, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं किस पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्रेटरी है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए 45 इयर्स तक सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट 45 इयर्स है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के, साथ में इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, स्टेनोग्राफी 100 वर्ड पर मिनट, बाकी आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल देखना है आपने, इसी लेवल में अगर आपने एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट को भरिए, नहीं तो आपको जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा बाद में। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की, ये डिज़ायरेबल है मतलब कि कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आती है सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 है, इसके लिए भी एज लिमिट सेम है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मेड फोर्सेज, सूबेदार की रैंक से सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए या फिर सूबेदार की, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके उसमें जीप या मोटरसाइकिल का, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट में, लेकिन ये जरूरी नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में है तो आप इनको इन पे मत जाइए। अगली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 है, 45 ईयर्स तक एज है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 40 साल 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए,
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर या फिर इक्विवेलेंट पे ग्रेड। कि आपने ध्यान रखना कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो ये पेमेंट में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए, आप इस फॉर्म को मत भरिएगा अगर आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स, एमएससी डिग्री करी होनी चाहिए, साथ में 3 साल का टेक्निकल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, साफ कह दिया है। इसके बाद बात आती है जूनियर ट्रांसलेटर लेवल 6, 45 ईयर्स, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, इसका भी आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में आपके पास में जो है वो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कार्यालय में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट आती है ग्रुप सी की, पोस्टों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। पहली पोस्ट है इसमें सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रुप सी लेवल 5 है, क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिपाही, सिपाही से नीचे की रैंक वाले एलिजिबल नहीं है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीप मोटरसाइकिल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5, 45 ईयर्स एज लिमिट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, गुड वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज आना जरूरी है, थोड़ा बहुत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आती है पोस्ट फार्मासिस्ट ग्रुप सी लेवल 5 ईयर एलिजिबल ईयर 45 ईयर्स, 10+2 करी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी में, किसी भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट से या इंडिया से रिजर्व होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपाउंडर या फार्मासिस्ट इन द रेप्यूटेड डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल में। अगली पोस्ट आती है हमारी अपर डिविजन क्लर्क की, ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 4 है, 45 ईयर्स तक एज है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी की पोस्ट पे, इन द पे बैंड ऑफ जो दे रखा है वो देखना आपने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है, या फिर कोई भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद पोस्ट आती है एलडीसी, एलडीसी के लिए आपके पास क्या 10+2 होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की आपकी स्पीड चाहिए, गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अगली पोस्ट है कुक की ग्रुप सी लेवल 2, मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज अ कुक इन सम रेस्टोरेंट और हॉस्टल और होटल में। ठीक है, उसके बाद पोस्ट आती है ड्राइवर की, इसके अंदर भी आपको 10वीं पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट या मीडियम व्हीकल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में गाड़ी चलाने का। ठीक है, अगली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी है, 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, 10+2 है क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके उसमें लाइब्रेरी साइंस में। मेडिकल अटेंडेंट है लेवल 1 पोस्ट ग्रुप सी, 10th क्लास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में काम करने का। उसके बाद पोस्ट है किचन अटेंडेंट ग्रुप सी है, 10th होनी चाहिए सिर्फ, हॉस्टल अटेंडेंट है ग्रुप सी है, 10th होनी चाहिए। तो ये सारी जो पोस्टें हैं ये आज ही नोटिफाई हुई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारी मात्रा में इस पोस्ट को भरें, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है सारी। तो जो भी जिस पोस्ट पे भी एलिजिबल है वो इस पोस्ट को ज़रूर भरें, क्यों, क्योंकि ये एक तो रेगुलर पोस्ट है, स्टेट के अंदर आपको सेंटर की जॉब है, साथ में और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर जो भी उनको लगता है वो पोस्ट भर सकें। तो सभी का धन्यवाद, आगे मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि आपके पास क्या सिलेबस होगा इसका, ताकि आप इनकी तैयारी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।